तो इसके न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, 9 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 0, नीचे 2 एज इट इज लिखा मैंने, 0/2 है। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं द आंसर विल बी 0, तो इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 0। सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट है विच इज 2/15 माइनस 4/30। 15 और 30 का पहले हम एलसीएम लेंगे। देखिए मैंने यहाँ एलसीएम लेकर दिखाया है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 की टेबल में 30 15 पे आता है, 15 2 = 30, तो यहाँ 15 लिख दिया मैंने। सिमिलरली अब ये 15 और 15 है, ये दोनों ही 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3। 3 की टेबल में हम ऐसे ही एक एक नंबर आगे बढ़ते जाते हैं, अब 3 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 3 5 = 15, तो 5 5 लिख दिया मैंने दोनों में। अब देखिए 5 जो ये 3 से नहीं हो सकता, ये सीधा 5 से ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 1 = 5 LCM आया 2 × 3 × 5, 2 3 = 6 6 5 = 30, 30 कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, उसको यहाँ पर लिखेंगे। 15 की टेबल में 30 आता है 2 पर, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे जैसे लगा हुआ है। 30 की टेबल में 30 आता है 1 पे, तो इस 4 की मल्टीप्लाई मैंने की 1 से। अब देखिए 2 2 = 4, माइनस का साइन लगाया, 4 1 = 4, नीचे अपॉन में 30 लिख दिया। अगेन देखिए 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आंसर आएगा 0 अपॉन में 30, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 0। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट करके दिखाया है, ये आप एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, एंड 6 7 8 and 9 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। आई विल सेंड द वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।